अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उठो यहाँ से। क्यों? क्यों का मतलब है? हम कह रहे हैं उठो यहाँ से। तुम की प्रधानमंत्री हो क्या जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? हमारी जो डील हुई है मैं सिर्फ उतना ही करूंगा। तो हमने तो सोचा था कि ये बस आज रात के लिए, ये तो रबर की तरह खींचता ही चला जा रहा है। जीत क्या करें अब, तुम्हारा ही आइडिया था ये। टंटनान, केक तैयार है, अब जल्दी से केक काट लेते हैं। जो पार्टी हमारी वजह से खराब हो गई थी ना, शायद इससे उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए। सबके सामने अच्छा बनने का ऐसा नाटक। अरे सुखान बेटा बस, हाँ अब ठीक हो गई होगी मेरी मोच है। ऐसे कैसे अम्मा जी, जरा मालिश करने दीजिए। जब तक आप एकदम ठीक नहीं हो जाती ना, उठने नहीं देंगे हम आपको। वैसे भी आपकी सेवा करने में अलग ही आनंद आ रहा है। आनंद तो आएगा, क्योंकि ये चोट भी तो आप ही की दी हुई है। अब हम आपको बताते हैं सच क्या है। ये इंसान ना फिर से नाटक कर रहे हैं। पार्टी में चूहे किसी और ने नहीं, इस इंसान ने छोड़े थे। सब कुछ इसका किया जा रहा है। किसकी वजह से वो सारी भागदौड़ हुई और आपको आपको पैर में मोच आ गई और अब देखिए ये कैसा नाटक कर रहा है। गौरी, पहले ही बेटा घर में बहुत तमाशा हो रहा है, अब तू ना अपनी नौटंकी शुरू मत कर। नौटंकी? सुखान बेटा क्या कह रही है? चल तू ही बता, तूने किया क्या सब कुछ है? बता। अब हम क्या बताएं माँ जी, इतने गुनाह किए ना हमने, क्या वो कुछ पुण्य भी करेंगे ना तो लोगों को उसमें खोटी नजर आएगी। इसलिए हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको लगता है कि गौरी सही कह रही है तो हम आपके जूते भी खा लेंगे। कैसे बताएं कि हम सुधर गए हैं? देख देख उसकी शकल देख, चुप हो जा। अरे इतने दिन जेल की सख्ती झेल कर अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। सुखान बेटा जाने दे, हाँ देख ये तो चलती फिरती झूठ की दुकान है, तू अपने दिल पे मत ले बात। हाँ चल। आप समझ में आ रहा है तुम क्या करना चाहते हो सुखांत? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोपाला। कर रही हो? जीत को क्यों खिला रही हो? सबसे पहले तो अपने पति को खिलाओगी ना? हाँ, आज तुमने इतनी मदद की है हमारी, तो पहला बाइट तो तुम ही खाओगे ना? हमारे कहने का मतलब है तुम लोगों ने।
वो जो भी है, लेकिन इस केक पे पहला हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति का है। सही कहा ना? अच्छा ठीक है, हम ना हम खाना लेकर आते हैं। हमें लगता है कि इनको बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। जी हम तुमको मशरूम देते हैं। अरे नहीं, जी मशरूम नहीं खाएगा, ये नहीं खाता है, इसे एलर्जी है मशरूम से। तुम रहने दो। कुछ भी मशरूम से भला किसको क्या दिक्कत हो सकती है? अरे मशरूम तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमने सुना है। अब ये लो। अरे नहीं, हमने कहा ना मशरूम नहीं खाएगा, और इसे एलर्जी है। एक बार ऐसा हो भी किया था, हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा बोल रही हूँ कृष्णा, ऐसे थोड़ी ना होता है। मशरूम से कहा ना एलर्जी है। रुकिए आप दोनों, कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है, हमें एलर्जी है मशरूम से। पर उन बातों को तो काफी समय हो गया ना। गोपाला का बर्थडे भी आज, तो ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ठीक हो गई हो हमारी एलर्जी। लेकिन जीत, अगर फिर से तुम्हें एलर्जी हो गई, कुछ हो गया तो? कोई बात। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा इतना मन कर रहा है मशरूम खाने का तो खा लो। इला पर थोड़ा कम खाना, हाँ ज्यादा मत खाना। अजीत, देखा हमने कहा था ना एलर्जी हो जाएगी, पर तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। जी तुम ठीक हो? हमें ना पता था सारी, हम जानबूझ के तो। जी तुम हमारे साथ ना कमरे में चलो, हम देखते हैं क्या हुआ है, कैसे ठीक होगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा हमें। भगवान चलो। जब उन्हें मशरूम से एलर्जी है तो क्यों खिलाया उसको? मुझे क्या, मुझे तो कोई एलर्जी नहीं है ना। जीत, जीत। जीत देखो तुम चिंता मत करो, हम है ना, हमें पता है कि ये कैसे ठीक करना है और तुम्हें क्या हुआ है। ये एलर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अब क्या? तुम
से बिना पूछे अंदर क्यों आ गई? देखते रहे, हम रमजीत की मदद कर रहे हैं। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? क्यों घूरे जा रही हो? अब देखो गोपाला, बात समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारे सामने ना जीत कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। हम उसकी पत्नी है, हमारे साथ वो कंफर्टेबल है, पर हर किसी औरत के सामने तो नहीं ना। अब और हमने ना तुम्हारे पति के साथ कमरे का इंतजाम कर दिया है, तुम चली जाओ। अब देखिए दंगल प्ले पर टीवी से पहले।